हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये एक रियल पैसेज है जो कि पूछा गया था SYPO मेंस एग्जाम 2019 में, और सेम ऐसे ही पैसेज पूछे जाएंगे फोर्थ कमिंग बैंकिंग मेंस एग्जाम में, जैसे IBPS PO मेंस में या RRB PO मेंस में या IBPS SO में। सेम ऐसे ही पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज को और इस वीडियो क्लास को। देखिए, SBI PO 2020 यदि आपका टारगेट है, उसमें आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, इंग्लिश सेक्शन आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो इस टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप SBI PO, IBPS SO, IBPS PO 2020 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस पैसेज को। देखिए, ये है एक पैसेज और यहाँ पर इसका कुछ पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका कुछ पार्ट है, तो दो स्लाइड्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबा पैसेज है। और BankPO Mains में जो पैसेज आएंगे, देखिए मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। BankPO Mains का 60-70% पैसेज का कंटेंट इसमें रहेगा, और नॉन RC कंटेंट जो रहेगा वो 30-40% रहेगा। यानी पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसेज इकोनॉमी पर ही होंगे नॉर्मली। फाइनेंस, इकोनॉमी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, इस सभी पर पैसेजेस होंगे। पैसेज लंबा होगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, 3 या 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे एक पैसेज में। वोकेबुलरी के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करना है। मैं अपने सभी वीडियो क्लासेस में बोलता हूँ कि रीडिंग रेगुलर बेसिस पर आपको करना है, चाहे द हिंदू करें, द इकोनॉमिक टाइम्स करें, लेकिन रीडिंग आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आए, सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हो। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए और उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बेस पे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यहां से मैं पढ़ता हूँ। एज इंडिया गियर्स अप टू बिकम अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द करेंट ईयर एंड ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2024, ऑल मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्पीट टू अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स विद इंडिया टू बी वन ऑफ देयर मेन प्रायोरिटीज। देखिए, 3 लाइन में एक सेंटेंस दिया है। अब 3 लाइन का ऐसा क्रक्स क्या है, इसका निचोड़ क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? चूंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, और 2024 तक, 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो सारी बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, सारी सारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया से अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाने बनाने की होड़ में लगी हुई है। ये इसका मतलब है इन 3 लाइनों का, ठीक है। इन द मीन टाइम, टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स एंड एलाइज रशिया एंड इंडिया आर मेकिंग अ फ्रेश एंड सब्सटेंशिएटेड एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द स्केल ऑफ देयर इकोनॉमिक कॉपरेशन अप टू द लेवल एडिक्वेट टू देयर एनहेंस्ड पॉलिटिकल पार्टनरशिप। अब इसमें यहाँ पर एक ये बताया गया है कि जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है इंडिया का फ्रेंड कौन है? रशिया इंडिया का फ्रेंड है, ठीक है। रशिया एंड इंडिया आर मेकिंग अ फ्रेश एंड सब्सटेंशिएटेड एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द स्केल ऑफ देयर इकोनॉमिक कॉपरेशन अप टू द लेवल। मतलब चूंकि इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ रही है, $3 ट्रिलियन की होने वाली है 2024 तक, $5 ट्रिलियन की होगी, तो रशिया भी चाहता है कि एक फ्रेश तरीके से, एक नए तरीके से इंडिया के साथ स्ट्रेंथन किया जाए अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है। तो आपको वर्ड्स का मीनिंग वर्ड फॉर वर्ड नहीं निकालना है, आपको केवल कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसके सार या समरी को समझना है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है, और पैसेज को पढ़ते समय अपने फोकस को 100% पैसेज पर रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप पैसेज को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स एंड ऑब्स्टेकल्स टू बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बीइंग द करेंट प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड। बोथ साइड क्या मतलब है? बोथ साइड का मतलब है इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया के रिलेशनशिप्स की इसमें बात हो रही है। तो रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स, जो रुकावटें हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं बायलेटरल ट्रेड में, उसको हटाना दोनों कंट्रीज की टॉप प्रायोरिटी है। रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स एंड ऑब्स्टेकल्स टू बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बीइंग द करेंट प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब इंडिया एंड रशिया, इनकी मेन प्रायोरिटी क्या है कि जो रुकावटें हैं बायलेटरल ट्रेड में,
उसके बॉटलनेक्स को, उसके ऑब्स्टेकल्स को, उसकी रुकावटों को हटाया जाए। वन ऑफ द मेन कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट का मतलब ही रुकावटें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए रुकावटों से संबंधित, रुकावट से संबंधित तीन वर्ड यहां पर आया है, कंस्ट्रेंट आया है, बॉटलनेक आया है, ऑब्स्टेकल आया है। सिंपल वर्ड्स हैं, यदि आप रीडिंग करते रहेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएंगे। वन ऑफ द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया इज द लैक ऑफ स्मूथ इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग द टू कंट्रीज। देखिए वन ऑफ द मेन कंस्ट्रेंट्स, दोनों के संबंधों में मेन कंस्ट्रेंट क्या है कि इनके पास एक स्मूथ इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो दो कंट्री को जोड़ सके। रशियन इंडियन ट्रेड टर्नओवर नाउ स्टैंड एट अप्रॉक्सीमेटली $10 billion। रशिया इंडिया का जो ट्रेड टर्नओवर है वो $10 billion का है, तो बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। विद द गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज कॉन्फिडेंट दैट इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रिपल टू $30 billion बाय द ईयर 2025। दोनों का जो करेंट ट्रेड है रशिया का और इंडिया का, वो $10 billion है और 2025 तक वो तीन गुना हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, वो $30 billion हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कैन रीच अ लेवल ऑफ $15 billion। इन्वेस्टमेंट जो है वो $15 billion का हो सकता है। प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज आर रेडी फॉर द चैलेंज, ठीक है। इस शर्त पर, प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस शर्त पर कि दोनों कंट्रीज का फाइनेंशियल सिस्टम रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए, इनका इन्वेस्टमेंट जो है दोनों कंट्रीज का वो $15 billion का हो सकता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। SBI PO मेंस का ये रियल क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस IBPS PO मेंस में, RRB PO मेंस में, IBPS SO में, सेम ऐसे ही पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां से पढ़ते हैं, रशिया इज इंडियाज लीडिंग पार्टनर इन डिफेंस सप्लाईज। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, ट्रेड की बात कर रहे थे, अब हम डिफेंस के सेक्टर में आ गए हैं। तो रशिया जो है इसका एक लीडिंग पार्टनर है, और ये बात सही है कि इंडिया के पास जितने भी बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जैसे ब्रह्मोस है या सुखोई विमान है, ठीक है, ये सारे रशिया के हैं। तो रशिया डेफिनेटली एक लीडिंग पार्टनर है डिफेंस सप्लाई में। ओवर 60% ऑफ ऑल इंडियाज परचेजेस आर कमिंग फ्रॉम रशिया। रशिया में जितना भी, रशिया की तरफ से जितने भी इंडिया में, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स है उसका 60% रशिया से आता है, तो एक लीडिंग पार्टनर है डेफिनेटली। तो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। विद लार्ज रीसेंट डील्स सच एज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस्टिमेटेड कॉस्ट ओवर $6 billion, दिस शेयर्स इज लाइकली टू ग्रो। तो यहाँ पर डिफेंस डील्स जो हुई हैं, जैसे S-400 मिसाइल्स के बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी काफी बड़ा शेयर है। ऑल्दो इंडिया एम्स टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस सप्लाईज एंड लोकलाइज डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इंडिया ऑफिशियल्स हैव रिएटरेटेड, एक्चुअली ये वर्ड यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, रिएटरेटेड होना चाहिए, रिएटरेटेड कंसिस्टेंटली दैट इंडियाज रिलेशंस विद रशिया इन द स्फीयर ऑफ डिफेंस विल रिमेन अ प्रायोरिटी डिस्पाइट द अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए इंडिया और रशिया के जो संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, उनसे वेस्ट मतलब अमेरिका और जो दूसरी कंट्री हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वो उनसे चिढ़ती हैं कि इनके संबंध इतने अच्छे क्यों हैं। तो इंडिया के ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली बोल दिया है कि चाहे कितना भी प्रेशर आए दूसरी कंट्रीज की तरफ से, इंडिया के रशिया के साथ जो संबंध हैं वो एक टॉप प्रायोरिटी उनकी रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक फास्ट फ्रेंड है और दूसरे फास्ट फ्रेंड आपके नहीं है, तो दूसरे फ्रेंड आपकी दोस्ती से चिढ़ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो एक फ्रेंड उन दूसरे फ्रेंड से कहता है कि मेरी उससे फ्रेंडशिप जो है वो इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रशिया सीज दीज पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन अनफेयर कंपटीशन एम्ड एट आउस्टिंग रशिया फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल सही है, यदि दूसरी कंट्रीज इंडिया से संबंध बनाना चाहती हैं और इंडिया और रशिया के संबंधों में जो जो एक इंटीमेसी उससे चिढ़ती हैं वो, तो डेफिनेटली वो रशिया को इंटरनेशनल मार्केट से बाहर करना चाहती हैं, ये उनका एक पर्पस हो सकता है। बी डिफेंस इक्विपमेंट एनर्जी और एक्सपर्टीज डिफेंस रिलेटेड डील्स बिटवीन रशिया एंड इंडिया हैव डेमोंस्ट्रेटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंकिंग मैकेनिज्म ऑफ द टू कंट्रीज टू थर्ड पार्टी एक्शन। क्योंकि रशिया और इंडिया के बैंकिंग प्लेटफॉर्म सही नहीं है, तो इसका थर्ड पार्टी जो है वो दूसरी कंट्रीज फायदा उठा सकती हैं।
With US dollar payment put on hold in 2018, India and Russia had to urgently look for alternative solutions. मतलब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो पेमेंट्स होते हैं वो डॉलर से होते हैं और डॉलर का डोमिनेंस है, तो इंडिया और रशिया को एक एक, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग यदि डॉलर्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यूएस भी डॉलर की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, उसकी उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इंडिया और रशिया को एक अर्जेंटली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, दूसरे पेमेंट करेंसी उनको ढूंढने की ज़रूरत है। ऑप्शन ऑन द टेबल इंक्लूडेड कमिंग बैक टू ट्रेडिंग इन रुपीज एंड द रूबल। देखिए ट्रेडिंग जो होगी इंडिया और रशिया के बीच वो रुपीज में ये लोग करेंगे, रूबल्स में करेंगे, डॉलर्स में नहीं करेंगे, इन यूरोज में करेंगे, सिंगापुरियन डॉलर्स में करेंगे। ठीक है, मतलब रुपीज में करेंगे, रूबल्स में करेंगे, यूरोज में करेंगे और सिंगापुरियन डॉलर्स में करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इंपॉर्टेंटली दिस सिचुएशन अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ बैंकर्स एंड डिसीजन मेकर्स ऑन बोथ साइड्स टू द इशू ऑफ पेमेंट। Memories of lucrative trade between India and the Soviet Union conducted in national currencies run deep, and this mechanism cannot be excluded from the list of alternatives entirely. However, it is obvious that the world has changed. It is immensely more independent and connected today than in the times of the Soviet Union. मतलब आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले इंडिया, मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती थी, उतनी ओवर इंटरडिपेंडेंट नहीं थी। आज की तारीख में ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग मैकेनिज्म लिमिटेशन टू ग्लोबलाइज्ड बिजनेस एक्टर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका पूरा सार मैंने आपको बता दिया है। आपको जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का मीनिंग आप समझें, एक लाइन का मीनिंग समझें। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम कंस्टेंट भी रहता है मेन्स एग्जाम में। तो ये पैनिक नहीं करना है कि आपको एक एक वर्ड का एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आया या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, as per the information given in the passage above, what has been the primary impediment in india russia trade। ab dekhiye wahan par obstacles related teen word aaye the, ek obstacle aaya tha, ek bottleneck aaya tha, ek constraint aaya tha। ab ye ek chautha word hai jo ki obstacle se related hai, isko bolte hain impediment। theek hai, yadi iska meaning bhi nahi pata ho to bhi aap yahan par pata laga sakte hain ki is question mein kya pucha ja raha hai। kyunki passage mein ye baat ki gayi hai ki india russia ke trade mein कुछ बॉटल नेक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होगा, रुकावटें होगा। यदि आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आप कॉन्टेक्स्ट से इसका पता लगा सकते हैं। तो एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, व्हाट हैज बीन द प्राइमरी इम्पेडिमेंट इन इंडिया रशिया ट्रेड। देखिए इन ऑप्शन को बिना देखे भी आप बता सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बैंकिंग का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट मे बी ससेप्टेबल, ये नहीं है। Engagement of the countries which are equally interested, ये नहीं है। List of companies and person under, नहीं नहीं ये भी नहीं है। Paucity of independent banking infrastructure connecting India and Russia, ठीक है, banking infrastructure दोनों के बीच में नहीं है, इसकी कमी है, इसकी paucity है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा D, और ये clearly mention है passage में। ठीक है, तो ये है passage। चलिए दूसरा question देखते हैं। What has been the issue that has attracted attention of banking officials in India and Russia? Banking official जो है India और Russia के कौन से issue जो है उसने attract किया है? Use of an efficient platform and trusted financial interaction for a large number of actors globally. Finding alternatives to payment as a US dollar payment have been put on hold. ये clearly mention है, India और Russia के banking official चाहते हैं कि alternatives कोई हों करेंसी, मतलब पेमेंट के लिए, डॉलर ना हो, यूरो हो, सिंगापुरियन डॉलर हो या रुपीज़ हो। तो डेफिनेटली बी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका क्लियरली मेंशन है। देखिए क्वेश्चंस पैसेज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसलिए बैंक पीओ मेन्स एग्जाम से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट हैज बीन इंडियाज स्टैंस ऑन एज स्टेटेड इन द पैसेज गिवन विद रिगार्ड टू ट्रेड विद रशिया। देखिए मैंने बताया था आपको कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या बोला है दूसरी कंट्रीज से कि इंडिया के रशिया के साथ जो संबंध हैं वो एक टॉप प्रायोरिटी रहेगी, चाहे आप कितना भी प्रेशर हमारे ऊपर डालो। द डिफेंस रिलेशंस विद रशिया विल नॉट बी अफेक्टेड डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम वेस्ट। बिल्कुल क्लियर इसका आंसर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि डी ही इसका सही आंसर होगा। तो ये था एक रियल पैसेज, SBI PO 2019 में ये पूछा गया था, और सेम ऐसा ही पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBPS PO मेंस में, RRB PO मेंस में और IBPS SO जैसे एग्जाम्स में। तो पैसेज 4 या 5 पैसेज तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, और आराम से ये किए जा सकते हैं, बिल्कुल डूएबल हैं।
यानी बिल्कुल सरल नहीं है लेकिन डेफिनेटली डूएबल हैं और इनको आसानी से किया जा सकता है। यदि आप रीडिंग करते हैं तो आसानी से इन पैसेज को कर सकते हैं। और 35 में से पैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि 35 में से 25 से ऊपर आपके नंबर आए, 25 क्वेश्चंस को सही करें, लेकिन 20 भी आप सही कर देते हैं तो भी आपका इंग्लिश सेक्शन 100% आपका निकलना चाहिए, SBI PO में भी और बैंक PO मेंस में भी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।